हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे गुप्तकाल। गुप्तकाल के प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे, वहां आपको प्लेलिस्ट और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वीडियो के ऊपर एक आइकन दिखेगा, वहां पर जब आप प्रेस करेंगे तो वहां भी कुछ प्लेलिस्ट दिख जाएगा। तो बिना देर के हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। अगला सवाल, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो कौन था? आर्यभट्ट था, आप लोगों को पता ही होगा। अगला सवाल, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत। इतिहासकार बीए स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? भारत का नेपोलियन कहकर किसे पुकारा था बीए स्मिथ ने? तो समुद्रगुप्त को पुकारा था। यहाँ आप दो बात ध्यान रखेंगे, पहले तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो बीए स्मिथ ने कहा था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था स्कंदगुप्त ने। किसने रोका था? स्कंदगुप्त ने रोका था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित है। अगला सवाल, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? तो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला सवाल, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था, कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उत्तर गुप्त काल में? तो नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज था, किस काल को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गुप्त काल को। अगला सवाल, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था, चीनी यात्री था। सेतुबंध का रचनाकार परवर सेन द्वितीय किस राजवंश का शासक था?
परवरसेन द्वितीय किस राजवंश का शासक था? तो वाकाटक का। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया। स्कंद गुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो कहा गया है कहौम स्तंभ लेख में। कहौम स्तंभ लेख में स्कंद गुप्त को सक्रोपम कहा गया है। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो वो मांगी थी बोधगया में मंदिर बनवाने के लिए। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था गुप्त काल में। कब हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था मंदिर निर्माण कला का जन्म। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के उपाधि धारण की थी। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए? किस खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो शकों को पराजित करने के बाद शकों के विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? मेहरौली का जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस सदी में हुआ है? तो वो हुआ है चतुर्थ सदी में। अगला सवाल, फायान और ह्वेनसांग ने डैश के राज्यों को देखा था। किस किस के राज्य को देखा था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः इन दोनों के राज्यों को देखा था। अगला सवाल, धनवंतरी कौन थे? तो धनवंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध थे चिकित्सक, प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कि। अगला सवाल, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो राजतंत्रात्मक, राजतंत्र थी। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। बौद्ध राज्यों का विवरण मिलता है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का विवरण मिलता है, बौद्ध मंदिरों, स्तूप एवं विहारों के बारे में विवरण मिलता है। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो निम्न में से कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? झांसी यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह
किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? तो वे जुड़े हुए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। गुप्त संवत 319 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। ये राज्यारोहण के उपलक्ष में गुप्त संवत का स्टार्ट किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष में किया? तो किए थे अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। स्मारक के रूप में प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो था समुद्रगुप्त का। किसका? तो समुद्रगुप्त का। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ है? सारनाथ के धमेख स्तूप का निर्माण गुप्त काल में हुआ है। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था? सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था, चांदी के मुद्रा को रूपक कहा जाता था। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कुमार संभवम कालिदास का है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? कौन सा युग में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था? तो गुप्त युग में या गुप्त काल कह लें। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। भू राजस्व कितना लिया जाता था? 1/6 लिया जाता था, उपज का छठा भाग। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो वो थी गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता। किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो किस वंश के शासकों ने दिया था? तो गुप्त वंश के शासकों ने दिया था। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? लौह स्तंभ जो है महरौली के किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक है अग्निमित्रम है अग्निमित्र है अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है इसमें चर्चा में है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध है समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। निम्नलिखित में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? तो गुप्त काल में थी स्त्रियों को पुरुषों से बराबरी। कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से विचलित हुआ था? तो वो हुआ था गुप्त वंश।
निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? मालविकाग्निमित्रम लिखा ही था, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा ही था, यम ये भी लिखा था, जानकी हरण ये नहीं लिखा था। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है बाघ गुफा, धार में है। कहाँ है? धार में है बाघ गुफा, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? तो 319 से 500 ईस्वी, लगभग 319 से 540 ईस्वी तक इसने राज किया था। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई, बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था गुप्त काल में, गुप्त काल में ही बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुआ था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए। सोने के सबसे पहले सिक्के जारी किए थे हिंद यमन, जिसको यूनानी कह लें, यूनानी ने। और सबसे शुद्ध सोने का सिक्के सबसे पहले जारी किए थे कुषाणों ने, शुद्ध सोने का सिक्का। और सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में जारी किए गए। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में तो वो है अभिज्ञान शकुंतलम, यूरोपीय भाषा में अनुवादित है, ट्रांसलेट है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। तो पहले चंद्रगुप्त प्रथम आया था, उसके बाद समुद्रगुप्त आया था, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था, उसके बाद कुमारगुप्त का शासन था, उसके बाद स्कंदगुप्त का। तो 1 2 3 4 5 ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब इसका। 1 2 3 4 5 सही क्रम में पहले सही है। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है बयाना, भरतपुर, राजस्थान में पड़ता है। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। कथन ए है, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कथन है, गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है, पर इसका ये कारण नहीं है। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? पतन मतलब बंदरगाह से संचालित होता था, तो होता था ताम्रलिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे, सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो महान केंद्र था उज्जैन। गुप्त काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र था उज्जैन। कालिदास की किस कृति की गिनती
विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है, तो होती है अभिज्ञान शकुंतलम का। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो गुप्त युग में ही हुआ था, आर्यभट्ट ने किए थे और आर्यभट्ट का संबंध गुप्त युग से। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? पतन का कारण नहीं था स्कंद गुप्त के बाद केंद्र की शक्ति का दुर्बल होना, ये सही है। हूनों का आक्रमण, ये भी सही है। प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ये भी सही है। कह रहा है कौन सा कारण नहीं था, तो सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला, ये कारण नहीं था। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो वो करवाया था समुद्रगुप्त ने, बिना बजाते हुए सिक्के पर अंकित करवाया था अपने तस्वीर को। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? तो गणित को एक पृथक रूप में स्थापित किया था आर्यभट्ट ने। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतकम का संबंध है, नवीनतकम का संबंध है चिकित्सा से, नवीनतकम का संबंध है चिकित्सा से। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था रामगुप्त। रामगुप्त को ही चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, ये थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है। किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? 12 राज्यों पर धर्म विजय किसने किया था? तो समुद्रगुप्त ने किया था। सर्व राजो छेता, सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी, किसने धारण की? तो समुद्रगुप्त ने धारण किया था। किसने अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया? किसने उन्मूलन किया था शकों का? तो किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? पुष्पगुप्त ने कराया था। तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने कराई थी, इसकी दूसरी मरम्मत किसने करवाई? इसकी दूसरी मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंद गुप्त ने करवाई थी इसकी दूसरी मरम्मत। यहाँ याद रखिएगा, पहला मरम्मत रुद्रदमन, दूसरी मरम्मत स्कंद गुप्त, और पुष्प का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्पगुप्त ने कराया था। कौन सुमेलित नहीं है? महासंधि विग्रहिक, युद्ध व शांति का मंत्री, सही है। महादंड नायक, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, ये भी सही है। विनय स्थिति स्थापक, धार्मिक मामलों का प्रमुख, ये भी सही है, प्रमुख अधिकारी। महास्वपति, महाअश्वपति, यह नाम में ही छुपा हुआ है। अश्वपति जो होता था वो अश्व प्रधान होता था, अश्व की सेना का प्रधान होता था। ये गज सेना का अध्यक्ष लिखा गया है, ये सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित को नहीं है छांटने के लिए कहा था। अगला सवाल, कौन सुमेलित नहीं है? प्रयाग प्रशस्ति, ये हरिसेन का है, रवि कीर्ति का नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति यह है हरिसेन का।
कीर्तार्जुनम बरावी का है, दस कुमार चरित दंडीन का है, मृच्छकटिकम शूद्रक का है, ये सब सही है। तो इसमें का सुमेलित नहीं है, तो पहला होगा प्रयाग प्रशस्ति। अगला है कौन सही सुमेलित नहीं है, भागवत अष्टांग हृदय ये भी सुमेलित है, कामंदक नीतिसार सुमेलित है, विशाख दत्त मुद्राक्षस सुमेलित है, वर्तृहरि मेघदूतम ये नहीं सम्मिलित है, मेघदूतम का रचयिता है कालिदास। अगला सवाल मिहिर कुल का संबंध है हूनों से। कन्नौज को सर्वप्रथम महाता प्रदान करने वाले थे, महाता प्रदान करने वाले थे मौखरी। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी कौन था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा जाता है। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है, इसमें होना चाहिए रंग रोधकता के कारण, उसकी रंग रोधकता के कारण, उसमें एक विशेष प्रकार की रंग है, चमक है, जिसके वजह से वैज्ञानिकों को अपनी ओर खींचता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।